देवास जिले के अंतिम छोर पर खातीगांव नगरी निकाय चुनाव में एक बार फिर जनता का मत भाजपा के पक्ष में गया। खातीगांव नगर के नागरिकों ने भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को 9 वार्डों में अपना समर्थन दिया। 9 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी विजय हुए, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और 3 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी जीत पाए। अब खातीगांव नगर परिषद में भाजपा का ही अध्यक्ष बैठेगा। विधायक आशीष शर्मा द्वारा नगर परिषद खातीगांव के प्रत्येक वार्डों में प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर पहुंचकर प्रचार किया गया था। खातीगांव नगरी निकाय चुनाव को खातीगांव विधानसभा के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। यहां भाजपा की जीत और हार के अलग अलग गणित लगाए जा रहे थे। खातीगांव नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में मतगणना का काम खातीगांव SDM त्रिलोचन गौड़ के मार्गदर्शन में हुआ, जहां तहसीलदार RK गुहा, खातीगांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट अपने अधीनस्थ अमले के साथ मतगणना केंद्र पर प्रत्याशियों के विजय जुलूस और मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में हम देख रहे हैं, यहाँ प्रथम दौर की मतगणना पूर्ण हो चुकी है और जिसमें 8 सीट पर भाजपा का बहुमत रहा है और 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुए हैं प्रथम चरण में। और 3 वार्डों का जो है बड़ा ही रुझान यहाँ देखने को आया, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में थे। वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक में आपने स्थिति देखी। आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है जनता का हुजूम यहाँ आप को तो परिणाम के लिए खड़ा हुआ है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर सिस्टम जो राज्य निर्वाचन आयोग से निश्चित किया गया था, 3 लेयर प्रोटेक्शन भी दिया गया है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अलग अलग की गई है। इसके अतिरिक्त जुलूस जलसा जो भी रहेगा, जो जिसे उम्मीदवार रहेंगे जो अपना जुलूस निकाल उस दृष्टि से एक व्यवस्था प्रत्यक्ष से जुलूस भी दी गई है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं तहसीलदार RK गुहा जी। गुहा जी, प्रथम चरण की काउंटिंग हो गई और दूसरे चरण की काउंटिंग में और कितना समय लगेगा? प्रथम जो द्वितीय चरण की काउंटिंग में कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। गणना हो चुकी है, परिणाम अभी एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने के बाद फिर घोषणा की जाएगी और यही और शांतिपूर्ण हो जाए इसके लिए मैं व्यवस्था में कानून व्यवस्था में। हमारे साथ जुड़े हैं खातीगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।